अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त मुश्ताक खान, और आप देख रहे हैं अपना वर्क चैनल। दोस्तों ये एक पेयर लाया हूँ मैं बजरी का, और इसके जो इसके साथ चिक्स भी है, चिक्स के साथ मैं परचेज़ करके लाया हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि ये जो चिक्स होते हैं इनको जो बीट लग जाती है इसके पंजों पर, उसको कैसे क्लीन करते हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखिएगा शुरू से एंड तक, ताकि आपको पूरी मालूमात हासिल हो। और ये मैं जहाँ से लाया था उसको वही से इसके साथ बीट लगे हुए थे इनके पंजों में। तो अभी पहले तो उसी दिन मैंने चेंज नहीं किया, सेट नहीं किया इनको, मतलब क्लीन वगैरह नहीं किया। अभी मैं सोच रहा था कि अभी दो तीन दिन हो गए मेरे पास इनको, तो सोच रहा था कि अभी कर लूँ, क्योंकि ये सेट हो गया यहाँ पर अभी। तो उस टाइम करते तो हो सकता है मादी वगैरह डर जाती, तो अच्छा नहीं था, तो पैर डिस्टर्ब हो जाता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट हो गए। तो चलिए मटके उतारता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं ये साहब। सब्सक्राइब करें अपना बर्ड चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को, ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो जी ये देखिए मैंने उतार दिया इनको, निकाल लिया मटकी से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप इनके पंजों को देखिए, बिल्कुल वो जो इनकी पोटी होती है वो बिल्कुल चिपकी हुई है इनके साथ। तो ये कैसे हटाएंगे और किस तरह से साफ़ करेंगे, तो ये सीखेंगे आज हम। बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, लेकिन जिन भाइयों को पता नहीं है उनको भी पता चल जाएगा। ये देख रहे हैं तीनों के साथ यही हाल है। ये जब मैं जहाँ से लाया था, ये पैर में ख़रीद के लाया था वो चिक्स के साथ ही, तो जहाँ से लाया था तब से ये, उसने जब मुझे पिक्चर सेंड किए थे तब से इनका यही हाल था, इसके ये पोटे इनके साथ चिपके हुए थे पाँव के साथ। लेकिन वो उस टाइम तो नए नए लाए, तो मैं इनको छेड़ नहीं रहा था, ताकि इनका पैर जो है ना, इनके माँ बाप जो है वो घबराए नहीं और इनको फिट करते रहे। अब ये इसको अभी कुछ दिन हो गए मेरे पास, तो ये मानूस हो गए थोड़े बहुत नए जगह के साथ। तो अभी ये इंशाल्लाह इसको मैंने उतार दिया, ये देखिए कुछ खुद ही उतर रहे, और जो नहीं उतरेंगे उसको मैं किस तरह से उतारूंगा ये भी आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे बहुत ही गंदे तरीके से बिल्कुल फुल हो गए उसके पाँव, ये देख रहे। तो ये पहले तो इसी तरह कोशिश करेंगे, अगर ऐसे नहीं हो रहे तो आप पलास लेंगे, सही है, और बिल्कुल आराम से आराम आराम से, ताकि इनके पाँव को कोई नुकसान ना पहुंचे, इनके पंजों को ऐसे हल्के हल्के से, ये देख रहे हैं सिर्फ तोड़ना है हल्का सा, वो उतर जाएगा, सही है। ये बिल्कुल क्लीन हो गया इसका पाँव माशाल्लाह, इसका पंजा बिल्कुल क्लीन हो गया। इसी तरह से दूसरा पंजा, ये भी हम कर लेंगे इस तरह से हल्के हल्के से, दोनों साइडों से, ऊपर और नीचे दोनों साइडों से, तो ये आराम से उतर जाएगा, ये देख रहे। ये सब ये बड़ा वाला है ना, ये थोड़ा घबरा रहा है, समझदार हो गया ना अभी, आप हमेशा इसके बॉक्स को क्लीन रख कर करें, या उसमें कुछ इस तरह का बुरादा डाल दिया करें लकड़ी का, ताकि ये इनको ना चिपके ये चीज़, इनसे इनके चाल में फ़र्क आ गया। अब ये नहीं उतारेंगे तो इनके चाल वगैरह में फ़र्क आ सकता है, इनके पंजे टेढ़े रह सकते हैं, इसके कुछ नुकसान भी है। तो इससे बचने के लिए आप लाजिम इसको साफ़ कर लिया करें, ये देख रहे कैसे बेचारा, ये पूरी रात मटकी में घूमते थे और ऐसे ठक 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 जब भी घूमते थे आवाज़ें आ रही थी बेचारों के। तो मुझे बड़ा ही इंतज़ार था कि मैं कब इनके ये हटाऊंगा, बहुत दिल कर रहा था कि इनको रिलीफ मिल जाए इससे, ये हट जाए। देखिए कैसे माशाल्लाह बिल्कुल फ्री हो गया दोनों पंजे इसके, देख रहे। इसी तरह से दूसरा भी, ये देखिए बेचारे को, बहुत
तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं माशाल्लाह तीनों के हमने जो इनके साथ फोटे चिपके हुए थे, जितने भी मवाद था हमने सारा हटा दिया माशाल्लाह, बिल्कुल फ्री हो गई है। तो अभी हम इसको दोबारा रख देते हैं इनकी मटकियों में, इसकी मटकी में दोबारा इनको रख देते हैं ताकि ये ज़्यादा तंग ना हो। तो जी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने भाई अपने दोस्त मुश्ताक खान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।